ऐसा कोई या आप कभी किसी को मेडिटेशन करा रहे हैं या कोई कहानी सुना रहे हैं वहां से, क्योंकि कौन, क्योंकि हम, मैं पाठ्यक्रम को इसको डिजाइन कराने में इन्वॉल्व रहा हूँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन में रहा हूँ, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब पिछले 1.5-2 साल में और क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट इस दौरान सामने आए हैं। इंटेंट तो क्लियर है, पीछे पीछे दे दीजिए। हमारे यहाँ पर जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अभी जो नई बुक्स आई है तो इंग्लिश मीडियम पर आई है, तो वहाँ पर जब मैं उस स्टोरी को रीड करती हूँ तो बच्चे पहले तो लैंग्वेज में मेरे एक्सप्रेशन से उसको मुझे बता पाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन और मॉड्यूलेशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो पहले तो वो स्टोरी को बता पाते हैं कि हिंदी में मैडम क्या बताना चाह रही है जो इंग्लिश से स्टोरी पढ़ रही है। एक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स की स्टोरी थी, तो उसमें दादी माँ जिद करती है, राहुल की दादी माँ, कि मुझे बालकनी में रहना है। उनका घर बना हुआ है, कमरे में सारी सुविधाएं हैं, पर वो कहती है मुझे बालकनी में रहना है। तुम ऑफिस चले जाते हो और बहू भी उनके ऑफिस चली जाती है और पोता स्कूल चला जाता है, तो वो कहती है मैं अकेली हो जाती हूँ, मुझे बालकनी में रहना है। बेटे को बुरा लगता है कि माँ को सब सुविधाएं मैंने कमरे में दे रखी हैं तो उनके लिए रहना मुश्किल होगा। फिर भी वो हठी हो जाती है, तो वो उनका पोता देखता है कि दादी जिद कर रही है और उनकी जिद मान ली गई है, तो वो बालकनी में रहने लगती हैं। रहते रहते वो धीरे धीरे जब आता है वो स्कूल से, वो दादी से बात करता है, दादी के पास समय बिताता है, तो उसके 1-15 दिन बाद उसके फादर कहते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी मदर बालकनी में रहती है। लेकिन वो पोता कहता है, और वो रियलाइज करते हैं कि वो खुश हैं क्योंकि वो आते जाते लोगों को देखती हैं, उनसे बात करती हैं। छोटे बच्चे अगर खेल रहे होते हैं तो कैसे सही ढंग है खेलने का, तो वो अपनी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस का सोर्स उनके लिए, वो लोनलीनेस जो थी उससे हैप्पीनेस का सोर्स आया। तो इसके बाद डिस्कशन के क्वेश्चंस हो रहे थे, तो उसमें बात ये हुई कि आपके घर में, चाहे आप नानी के घर जाते हैं, दादा दादी नाना नानी, तो आप क्या क्या ऐसे काम करते हैं उनके लिए जिनकी उन्हें जरूरत लगती है। तो बच्चों ने बहुत बताया कि मेरी दादी मेरा ख्याल रखती है, पापा से डांट पड़ती है तो वो मेरे लिए बहुत चीजें कर देती हैं। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि मेरी दादी मेरी बड़ी दीदी के सर में तेल लगाती थी, अब मेरी दादी और बूढ़ी हो गई है, 4th क्लास में पढ़ाती, तो वो अपनी दादी के सर में तेल लगाते हैं, उनके पैर घुटते हैं। तो ये जो फैमिली की वैल्यूज हैं से कहीं छुपी हुई रह जाती हैं, वो निकल कर आती हैं। दो बच्चे और सुनते हैं तो वो पूरी डेवलप हो पाती है और वो क्लासरूम तक भी रहती है। बड़ों से वैल्यू क्लास में, फैमिली की वैल्यूज डिस्कस करने के लिए, संबंध डिस्कस करने के लिए कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सर। और 2 एप्पल 4 रुपए में मिले तो 8 एप्पल कितने में आएंगे, पूरा मार्केट हम बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन दादी ने मेरे सर में तेल लगाया था तो मैं दादी के सर में लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, इस पर तो डिस्कशन करने का हमारे क्लासरूम में स्पेस ही नहीं था। आपका ये पाठ्यक्रम उसका स्पेस दे रहा है, ये अच्छा है। और सर एक छोटा सा इंस्टेंस, ऐसा कमाने के लिए या सेवा करने के लिए ऐसे 3 कॉलम्स बनने थे, तो बहुत बच्चों ने बोला कि मैं आर्मी में जाऊंगा, हर चीज उनकी ऐसे बड़े बड़े डेजिग्नेशन थे और जिसमें बच्चों का फोकस ये था कि मैं सेवा करूंगा। फिर मुझे एक उन्हें रियलिटी पर भी लाना पड़ा, क्योंकि बच्चे फिर वही वैल्यूज को सीखते रहते हैं कि मुझे ये काम करना है, अपने देश की रक्षा करूंगा। तो एक बेसिक नीड जो हमारी है खाने पीने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए, तो पैसा कमाना एक साइड की एक्टिविटी है, लेकिन वो बच्चे इतने घूम चुके हैं हैप्पीनेस में, तो उनका सेवा खुशी यही टर्म्स की बात करते हैं वो। तो नाम राहुल है सर, मैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसका वो आगे है ना, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय कॉन्ली में एज अ पीआरटी क्लास 5 में पोस्टेड हूँ सर। 1 मार्च 2023 को ज्वाइन किया सर मैंने 40/20 ग्रुप में। सर मेरी क्लास का नाम, मेरी क्लास में एक लड़का है सर शिवा, इन द सेंस कि सर वो काफी ज्यादा वीक था, मेरे पास जब वो आया बहुत ही ज्यादा वीक था सर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के मामले में। सर हैप्पीनेस की क्लासेस में जब मैं स्टडीज कराता था तो रिफ्लेक्ट बैक बराबर करता था सर, आइदर वो राइटिंग के केस में नहीं लेकिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस करता था सर। अभी अचानक पता चला अभी 20-25 दिन पहले सर कि वो काफी लंबा एब्सेंट था सर, तो कॉल भी किया तो उठाते नहीं थे क्योंकि नंबर्स पे पता चला जो पापा जी हैं वो बिजली भी चढ़े आने रहे हैं और उसी को सपोर्ट करने के लिए अभी वो गणेश मूर्ति वगैरह चल रही है तो उन्हीं में सपोर्ट करने के लिए बच्चा जो है वो वहाँ पर जाएगा और वो उसका जाना जरूरी है सर। अभी 20-25 दिन पहले मैं, मेरा पास था तो मैं पास के ही एक मतलब दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए गया था, तो वहीं पर सर वो लड़का जो शिवा है सर वो आता आता वो सामान लेने आता हुआ दिखा सर। मैंने देखा कि मुझे लग रहा है ये आज के बाद मुझे यहाँ तो मिलेगा नहीं, मुझे लग रहा है ये यहीं मिलेगा सर। मैंने उसको वहीं पकड़ा, उसके मम्मी को फोन करा, इनफैक्ट वो दुकानदार जानने पहचानने वाला था और उसने शिवा की मम्मी को बुलाया, मैंने शिवा को रियलाइज कराया। शिवा तो इतना अच्छा एक्सप्रेस कर रहा था उस क्लास
क्लास में, और आज के बाद अगर तो फिर नहीं आएगा तो पढ़ नहीं पाएगा बेटा। उसकी मम्मी तुरंत ही आई, उसके पापा तुरंत ही आए, उस दुकानदार वाले को लगा कि नहीं, उसने भी अप्रेज किया, और उसके बाद से वो अभी तक भी सर उसने कभी छुट्टी में नहीं मारी है लगातार 2 महीने से ज्यादा। तो ये चीज है सर। और कोई हैप्पीनेस की क्लास के एक्सपीरियंस जो आप कोच पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस आपके पास हो? मैं आता हूँ इसके बाद आता हूँ। नमस्कार सर। सर मैं क्लास 3 पढ़ा रही हूँ अभी, और जैसे आपने पूछा नई चीज, तो हैप्पीनेस में अभी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो एक नई चीज ऐड हुई है, जिसमें हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और थोड़ा आगे आ जाए, इसका सेंसर कहाँ रखा हुआ है? बच्चे का बर्थडे होता है तो बाकी के उसके जो फ्रेंड्स हैं या क्लास के फेलो स्टूडेंट्स हैं वो उस बच्चे का कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट बताते हैं, और जो हैप्पीनेस टीचर होता है वो भी उस बच्चे का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट बताता है। तो ये मुझे एक नई चीज़ जो ऐड हुई है हैप्पीनेस करिकुलम में काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे जो हैं आपस में उस दिन जिस बच्चे का बर्थडे है सभी लोग उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ ढूंढते हैं और वही बताते हैं, और सब मिलकर के उसका बर्थडे फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार किसी बच्चे ने किसी बच्चे के बारे में अच्छा लिख दिया तो जिंदगी भर की दोस्ती हो गई उसकी, फिर वो उसकी बुराइयां भी दिखेंगी उसमें, तो कहेगा नहीं इसमें मैं अच्छाई भी जानता हूँ। ये अच्छा अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर। इधर आप उठा रही थी। बच्चा होता है और अपने पेरेंट्स के साथ वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, तो उसके एक पैर का शूज ट्रेन के स्टेशन पर ही रह जाता है। गाड़ी चलने ही वाली होती है लेकिन स्टेशन पे एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बच्चा होता है, उसके बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती, उसके पास रहने की जगह नहीं होती है और इसीलिए वो स्टेशन पर होता है। तो जैसे ट्रेन मूव कर रही होती है तो उनके पेरेंट्स का ध्यान होता है आपके शूज़ कहाँ हैं, तो तब पीछे वो देख रहे होते कि बच्चा पीछे कुछ देख रहा है, लेकिन जो उसका शूज गिरा हुआ आता है, जो पुअर बच्चा होता है वो उसके शूज को लेने आता है और वो खुश हो जाता है देख करके कि मुझे एक पैर का जूता तो मिला। जब वो बच्चा उसकी खुशी जो चेहरे पे देख रहा था, उसने अपना दूसरा शूज भी वहां से गाड़ी से नीचे फेंक दिया कि चलो मैं तो और ले लूंगा लेकिन ये खुश है तो मैं इसको अपना दूसरा शूज भी दे देता हूँ। पेरेंट्स उसके पूछते बेटा आपने क्यों किया ऐसा, तो कहता कि मैं आप लोग तो अफोर्ड कर सकते हो, मेरे को दूसरे शूज दिला सकते हो, लेकिन इसके चेहरे पे जो खुशी है ना वो शूज देख करके वो मुझे शायद लगता है ये कहीं नहीं मिलेगी उसको। तो उस बच्चे में जो खुशी थी उस कहानी में, जब मैंने चर्चा के बाद बच्चों से पूछा कि आपने क्या सीखा, तो सर मैंने नोटिस किया कि जिन बच्चों हमारे पास सभी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो जरूरी तो नहीं है सबकी सारी बेसिक नीड्स कम्प्लीट हों, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स कम्प्लीट करने के लिए जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों के मुँह से भी मैंने ये सुना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करूँगी या मैं भी यही करता, भले चाहे वो ना कर पाए लेकिन उनके माइंड में वो थॉट्स तो आ रहे हैं कि हम नहीं है इस लायक लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे। तो सर मुझे ये चीज़ हैप्पीनेस में बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। एक लास्ट। गुड मॉर्निंग सर, मैं अभी क्लास 1 ले रही हूँ करंटली, तो मेरे बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, केजी से हैं अभी, और उनकी जनरली इसी बात पर लड़ाई रहती है कि इसने पेंसिल ले ली, इसका स्केल हो गया, ये सब हो गया। तो अभी रिसेंटली हम मतलब एक स्टोरी कराई थी, उससे मैंने मतलब जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो अभी कल ही जब मैं क्लास में थी तो उसका बेसिक मॉरल ये था कि गलती कोई जान के नहीं करता, जैसे बच्चों का ये होता है कि इंस्टेंटली वो एलिगेशन लगाने लग जाते हैं कि इसी ने उठाया इसी ने चुराया। तो येस्टरडे ओनली अ गर्ल केम टू मी एंड मतलब शी सेड मैम इसने मेरी पेंसिल ना गलती से ले ली थी, तो ये उसके पास वापस कर देते हो उसको। मैं उनका वेरी गुड बेटे, ऐसे ही होना चाहिए, हो सकता है उसने जान के नहीं दिया। और अनदर चेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व ओवर द टाइम कि मतलब किसी ना किसी काम से हमें कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर निकलना पड़ता है, कभी कोई लेस्ट है या कुछ भी है, तो जो क्लास के लीडर्स होते हैं अदरवाइज दे यूज टू डू वॉट कि सब हेड डाउन करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा ये सब, बट अब जैसे एक दो जो लीडर्स हैं दे हैव स्टार्टेड डूइंग ये माइंडफुलनेस ही कि सब सीधे बैठेंगे, मतलब एकदम अच्छा है, सब सीधे मतलब उनकी सुनते हैं बात बच्चे, तो अब उन्होंने माइंडफुलनेस ही शुरू कर दिया है कि सब सीधे बैठेंगे, हाथ कम गोदी में रखेंगे, जैसे कंफर्टेबल है आसपास की आवाजों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जनरली डे बिगिन होता है। कौन सा स्कूल आपका? सर पटपड़गंज, आरएसकेवी पटपड़गंज, ये वो संजय झील के सामने वाला मॉर्निंग शिफ्ट। हाँ जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? सर पलक। पलक, थैंक यू, मैं आके मिलना चाहूंगा ऐसे बच्चों से, तो अमेजिंग है।
नहीं देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम आपके क्लास में अभी जो नर्सरी केजी वाले बच्चे हैं, क्या एज ग्रुप होगा इनका? चार छह सिक्स नर्सरी केजी वाले तो एकदम फाइव ईयर मान लीजिए। जब भारत 2047 के भारत की बहुत बात कर रहे हैं आजकल, आप सोच के देखो कि 2047 का जब भारत होगा उसमें इनका एज क्या होगा? आज से 23 साल बाद है ना। ये वो लड़के लड़कियां हैं जिनको हम भारत के रूप में देख रहे होंगे कि भाई ये वो जिसको हम यूथ बोल रहे होंगे, जिसके कंधे पे देश का भार होगा कि हमारा देश यहाँ इस टैलेंट के साथ खड़ा है, इस प्रोफेशन में ज्यादा जा रहा है, इस सैलरी ग्रुप में एंटर कर रहा है, इस बिजनेस ग्रुप, ये सब वो इंडिया है जो अभी आपके पास में है, खासतौर से जो आपने एज ग्रुप बोला इसी को प्लस कर सकते हैं। बट अगले 20 25 30 साल का जो इंडिया, यंग इंडिया है, जो रेस्पॉन्सिबल इंडिया है, वो अभी आपके पास क्लासेस में है। यही लड़के होंगे ना कि किसी एज में जाके 30 साल के लड़के जाके आप देख रहे होगे भाई कहाँ नौकरी लगी बेटा, तो वो बताएगा साहब मैं तो गूगल में हूँ, एक बताएगा कि भाई मैं कहीं नहीं हूँ, है। तो अभी उन्हीं की फाउंडेशन आप लोग रख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर उसके अंदर ये फील आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। और माइंडफुलनेस मुझे लगता है इसका की है। आप हैप्पीनेस की अच्छी क्लास लेते हैं, मैं क्योंकि इसके प्रोग्राम डिज़ाइन में बहुत डीपली इन्वॉल्व रहा हूँ, आप में से कुछ लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ खड़े लोग तो रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आपकी स्टोरी एक तरफ, आपकी सारी एक्टिविटीज, सारी अच्छी चीज़ें एक तरफ और माइंडफुलनेस एक तरफ। अगर आपने 5 मिनट बच्चों को सक्सेसफुली माइंडफुलनेस करा दिया इन ट्रू सेंस, तो आपका और आपके बाद जो और लोग क्लास लेने आने वाले हैं, मैंने आप तो फर्स्ट या सेकेंड पीरियड ले रहे हो, लेकिन उसके बाद जो 6-7 और पीरियड हैं, बच्चा 6-7 घंटे रहेगा, आप यकीन मानिए उनका भी काम आसान हो जाता है। तो माइंडफुलनेस को तो आप बहुत इसको समझिए कि रिलीजियसली कराएंगे, उसको लेके कोई इज्म ना जुड़े, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है। मुझे जब ये हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया ऐसा कर लेते हैं, वो टेक्निक, वो गुरुजी की टेक्निक, या उस कल्ट में, उस कल्चर में ये टेक्निक है। मैंने कहा यार हमारे पास तो सारे कल्चर के बच्चे हैं, हम एक को कोई एक पर्टिकुलर कल्चर पकड़ाएंगे, कितना ही अच्छा हो, उसका कितना ही पॉजिटिव हो, उसके इंटरप्रिटेशंस कहीं दूर खड़े होकर कोई और कुछ निकालेगा, बोले आप तो फलाने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो या हमारे कल्चर को डिवीन कर रहे हो। पर ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर का आदमी करता ही करता है, कोई ना कल्चरल झंझट है, कोई आदमी कह नहीं सकता साहब मेरी कल्चर में ब्रीद नहीं करते हैं, ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ब्रीद आउट नहीं करते हैं, उस पर ध्यान देना ही है। और 5 मिनट अगर आपने ब्रीदिंग ब्रीद आउट करा दिया ठीक से और उसमें ध्यान देना शुरू कर दिया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक टेक्निक टू काम डाउन, टू एंटर इन टू योर सेल्फ, टू हैव कनेक्शंस, टू बी प्रेजेंट हेयर, इसके जितने बेनिफिट्स हैं। और मेरा तो जितना मैंने पढ़ा, जितना समझा, मतलब थोड़ा ओवर स्टेटमेंट लग सकता है कि भारत जैसे देश में अगर हमने अपने स्कूलों में आने वाले हर बच्चे को मेडिटेशन नहीं सिखाया तो फिर हमने कुछ नहीं सिखाया। नहीं, अगर मतलब इट कुड बी माई थोड़ा कह सकते हैं कि आर्म लेंथ से दूर का ड्रीम, लेकिन मैं ऐसा सपना देखता हूं और मैंने इस सपने को बहुत अंदर दोहराया है अपने अंदर इस बीच में, कि एक ऐसा समय लाना पड़ेगा हमें हिंदुस्तान में, दुनिया के लिए, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि हम गर्व से कह सकेंगे कि वो भारतीय ही क्या जो ध्यान ना करता हो। वो जैसे कई देशों के अपने अपने टैगलाइंस हैं, कहते हैं एक देश है जो समय का बड़ा पाबंद माना जाता है, उस देश के लोग हैं तो भाई इस समय पे आ जाएंगे, कौन है वो कहने की जरूरत नहीं है। एक देश है जो माना जाता है कि यार दुनिया के सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स सारे उस देश से निकलते हैं, साइबर सिक्योरिटी उस देश से निकलती है, टेक्नोलॉजी उस देश से निकलती है, छोटा सा देश है, कौन सा है? माने किसी को आइडिया होगा
गैस इसराइल के बारे में ऐसा कहते हैं, कुछ लोग गैस कर रहे थे, थोड़ा सा मेरी कटिंग बताने लगे। तो ऐसा बहुत सारे देशों ने अपने अपना किसी एक जर्नी से इमेज बनाया। भारत ने दुनिया को मेडिटेशन सिखाया, है ना, भारत ने इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स इजाद की, लेकिन हम दुनिया को तो छोड़ दीजिए, अपने ही बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। वजह यही कि हमें लगा मेडिटेशन सिखाने का काम तो बाहर हो जाएगा, हम तो 2+2 सिखा देते हैं, एंश्योर कर लेते हैं कि बच्चा इंग्लिश अच्छी सीख। हम तो लग गए कि बच्चा अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी बात है, इंजीनियर भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है, लेकिन क्या हम ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां, जैसे आप मैंने बोला जापान, तो आप हम कितनी दूर बैठे जापान से, पर हमने भी कह दिया सना का पावन देश मतलब जापान, क्या कल्चर होगी। तो क्या हम दुनिया में इस स्थिति में भारत को पहुंचा सकते हैं कि एक देश है, अमेरिका के क्लासरूम में, जापान के क्लासरूम में किसी दिन चर्चा हो रही हो, कोई पॉलिटिशियन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा है अपने टीचर से कि भाई दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके हर आदमी को मेडिटेशन आता है, जो हर आदमी मेडिटेशन करता है, और वो उनका मैटर ऑफ प्राइड है कि मैं भारतीय हूं तो मैं मेडिटेशन करता हूं, तो लोग भारत का नाम लें, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मुझे तो लगता है मेडिटेशन को आप हैप्पीनेस का एकदम बेसलाइन मान के चलिए। आप क्लास, वैसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग में बातें होंगी, क्लास आप किस तरह से लेंगे, मैं नहीं सिखा सकता क्लास लेना, वो मेरा मतलब मेरी कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है उस पर, ये सब लोग उसके एक्सपर्ट हैं वो सिखाएंगे। लेकिन जब मैं दिस हैज बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट थिंग टू माय हार्ट इन माय लाइफ की एजुकेशन, और एजुकेशन में भी हैप्पीनेस पे काम करना, बहुत मुझे लगता है कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कहानी आप लेते हैं, आपने भी कई लोगों ने कहानी का जिक्र किया, मेरी कई चर्चा में बात पहले की हुई है जिन लोगों ने जैसे सुनेंगे, 3 मजदूर की कहानियां हैं, है ना, उसमें किसी एक एप्रोप्रिएट लेवल पे आती है, कौन से ग्रुप में आती है वो, सिक्स वाले में आती है, सेवन्थ में, अभी वो काफ़ी चेंज भी कर लिया ना इन्होंने, तो एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे भी नहीं पता तो सेवन्थ में आती है। अब ऐसा तो सिंपल सी कहानी है, एक आदमी जा रहा था, कहानी है, लेकिन आप सोचो कि आप कहानी को डिलीवर करके और आप उससे पूछ लो भाई कितने मजदूर थे, पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने कहा क्या, वो बड़ा कन्वेंशनल मेथड है, क्या शिक्षा मिलती है वो भी बच्चा कुछ बताई देगा, आप भी कुछ बताई दोगे, लेकिन क्या इस कहानी को मिल पकड़ के, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमको हैप्पीनेस की क्लास का पर्पस अगर समझ में आ गया, बच्चे को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, और अगर असली मकसद समझ में नहीं आया तो शायद हम 12 साल तक उसको रगड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम शायद वो चीज़ डिलीवर ना कर पाए। तो जैसे हैप्पीनेस की ये वाली क्लास है, ये वाली स्टोरी है 3 मजदूर वाली, क्या इस कहानी को पकड़ के हम बच्चे के रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर कर सकते हैं उसको अंदर अंदर, कि यार मैं इस समय जब था तो पहले मजदूर वाली मेंटेलिटी में था, अभी मैं इस समय था तो दूसरे वाली में था, अभी मैं था तो तीसरे वाली में था। हम ही हर 15-20 मिनट बाद अपना मेंटल स्टेट बदलते रहते हैं, और कभी हम पहले मजदूर वाले माइंडसेट पे होते हैं, कभी दूसरे मजदूर वाले पे होते हैं, कभी तीसरे वाले पे होते हैं, हम ही दुनिया का छोड़ दीजिए, वो 3 मजदूर से अलग बात है। अगर हमने उस बच्चे के जीवन में इतना अभ्यास डाल दिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं लालची हो रहा हूँ, मैं रिएक्शनरी हो रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ या मैं कुछ बड़े काम का सोच रहा हूँ, मैं कुछ लार्ज हार्टेड हो रहा हूँ, तो मैं इन तीनों कैटेगरीज, तीनों माइंडसेट कैटेगरीज में से किसी एक में हूँ, वो बच्चा इतना देखना सीख जाए। उसमें आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, क्लास का एक एक बच्चा, जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस तरह जूनियर क्लासेस में टीचर है वो कहेगा भाई 2+2 करना नहीं आ गया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम, जब तक वो प्लस नहीं सीखेगा उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाएंगे, डिविजन्स नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ हम मान के चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, जब तक ग्रामर का ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तब तक हम उसको सेंटेंस पे नहीं लाएंगे या फॉर्मेशन पे नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ कुछ हम लोग अपना डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही अगले टॉपिक पे, अगली स्टोरी पे जाने से पहले, ये स्टोरी का मेन मकसद क्या था कि बच्चा अपने ही माइंडसेट को 3 अलग अलग कैटेगरी में
क्लासिफाई करना सीख जाए। मैं जब घर में बैठा था उस वक्त अपने पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए मैं इस माइंड पहले मजदूर वाले माइंडसेट पे था, अभी मैं दूसरे वाले पे था, अभी मैं तीसरे वाले पे हूँ, फिर उसको खुद में लगने लगेगा। वो अगर हम कर पाए तो डिलीवरी है, तो फिर उसके कुछ माइंडसेट में डिलीवर हो रहे हैं। वो पर्पस लेके हमें चलना पड़ेगा और उसके लिए आप प्रयोग, तो यू आर द टीचर, आपको सारे प्रयोग जितने तामझाम अपनाने हैं वो अपनाने पड़ेंगे एज अप्रोप्रिएट लेवल के बच्चों को सिखाने के लिए किसी बात को। बट मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंट था जब मैं मिनिस्टर था, या अभी की मैं बात करूँ, ये लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे, तो इंटेंट क्या है? एक कहानी आपको दी तो उसका इंटेंट क्या है? अगर बच्चे ने अपने ही माइंड सेट को तीन अलग अलग कैटेगरीज में, तीनों मजदूरों के अलग अलग में क्लासीफाई करना नहीं सीखा, पर उसमें गिल्ट ना हो। अगर आपने कह दिया पहला वाला मजदूर खराब था तो बच्चा झूठी बोलने लगेगा, अपने आप को भी झूठ बोलने लगेगा, मैं तो तीसरे में ही रहूंगा हमेशा, मैं तो तीसरे वाला हूँ, आप मैडम क्या बात कर रही, मैं तो तीसरे मजदूर के माइंड सेट हूँ। लेकिन नहीं, मे बी आप अपने से एडमिट कर लें उसके सामने कि अपने 24 घंटे की जिंदगी में हमारे अंदर भी ये होता है कि हम भी कभी पहले मजदूर की तरह सोच रहे होते हैं, कभी दूसरे की तरह, कभी तीसरे की तरह, हर 2-4 घंटे में हमारा भी माइंड सेट चेंज हो रहा होता है। तो फिर बच्चे को लगेगा अच्छा जब टीचर का है तो मेरा भी है, फिर उसको ईमानदारी से अपने को जवाब देगा, नहीं तो खुद से झूठ बोलना सीख लेगा। उसको खुद में लगेगा यार मैडम ने बताया पहला मजदूर का माइंड सेट खराब है, दूसरे का थोड़ा ठीक है, तीसरे का सबसे बढ़िया है, तो वो पहले आपसे झूठ बोलेगा, फिर ग्रेजुअली अपने को कन्विंस कर लेगा कि आई एम सच ए ग्रेट पर्सन, मैं तो हमेशा तीसरे मजदूर वाले माइंड सेट में रहता हूँ, क्योंकि पहला दूसरा तो हमने उसके सामने कह दिया डिग्रेडेड है। तो डिग्रेडेड की जगह हम उसको समझा दें कि भैया कोई भगवान राम हुए या कृष्ण हुए या बुद्ध हुए तब जाके एक तीसरे माइंड सेट पे बैठता, नहीं तो हम तो इंसान हैं, हम तो पहले दूसरे में जियेंगे, रोज जियेंगे। आप बता सकते हो कोई एग्जाम्पल देखे कि अभी स्कूल आते हुए मैं तो एकदम पहले मजदूर की तरह सोच रही थी, तब उसको लगेगा कि ये तो सामान्य घटना है, ऑब्जर्व की जा सकती है, नहीं तो वो अपना स्विच ऑफ करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप उसको स्कूल आते हुए बता दोगे यार मैं अभी रिक्शे वाले ऑटो में आ रहा था या बाइक से आ रहा था, फलाना मेरे साथ फलानी घटना हुई या कल ऐसा हुआ और बिल्कुल मैं एकदम पहले मजदूर की तरह सोच रहा था, बस फिर उसको लगेगा जब टीचर सोचते हैं पहले मजदूर की तरह तो मैं भी सोचता हूँ, मैं पहले मजदूर की तरह सोच रहा था। वो अगर आप कर पाएंगे तो उसका इंटेंट डिलीवर होगा। जो सो मैंने कहा कहानी का या किसी भी एक्टिविटी का कुछ इंटेंट है वो डेवलप कर दीजिए। दूसरा मेडिटेशन को तो आप मान के चलिए कि एक मिशन बनाना पड़ेगा मेडिटेशन को दुनिया के लिए, तो दुनिया तो तभी सीखेगी जब हम मेडिटेशन को देने वाले अपने हर बच्चे को सिखा पाएंगे। तो 2047 के भारत में अगर हम ऐसा भारत की कल्पना करके चलें, क्योंकि वो भी आपके पास खड़ा है, अभी स्कूलों में जो खड़ा है 2047 का यूथ खड़ा है सारा बैठा हुआ है, अगर 2047 में हम ऐसा भारत खड़ा कर सकें जहां हर भारतीय अपने बारे में प्राउड करके कह सके कि वो भारतीय क्या जो कम से कम दिन में 5-10 मिनट मेडिटेशन में ना बैठता हो, दिस इज द ड्रीम, इसमें आप लोग कर रहे हो काम, ऐसा भारत खड़ा करेंगे उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं, आप इसको बना रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है कि हम ये वाला टारगेट अचीव कर लें। और इसलिए भी मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, आजकल आप पढ़ रहे होंगे, आप यूज भी कर रहे होंगे AI, सबके व्हाट्सएप में मेटा लगा हुआ है ना, उसको कुछ भी करो, अब आप एज ए टीचर भी कंफ्यूज हो कि ये बच्चा जो होमवर्क करके ला रहा है मेटा ने दिया है, ChatGPT ने दिया है, या हमने जो उसको पढ़ाया उससे दिया है, है कि नहीं कंफ्यूजन? उसका कुछ कोई एग्जाम्पल बताएगा आजकल क्या चल रहा है? ये सारा मेरे पीछे आया जब ChatGPT आया था, मैं अंदर गया था, उसके बाद ये ChatGPT मेटा वेटा सब डेवलप हो गया और मैं अखबारों में पढ़ता था टीचर्स परेशान है, एजुकेशनिस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं साहब ChatGPT और मेटा के AI के इस युग में कैसे पढ़ेंगे बच्चे। आप लोग क्या फेस कर रहे हो आजकल, कुछ शेयर करेगा कोई एग्जाम्पल? एक्सप्रेशन था ना, वो AI ने और इन चीजों ने धीरे धीरे जो है उसको खत्म कर दिया। इनफैक्ट बच्चा अपने फीलिंग्स के लिए भी ना वो वर्ड ढूंढता है या वो उस पे जाता है AI पे कि नहीं मुझे ये लिखना है, वो वही लिख के देगा। अरे अपने वर्ड्स में लिखो, अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से ड्रॉ करो। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि AI के आने से बच्चे का सेल्फ एक्सप्रेशन जो था वो धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन हमारी हैप्पीनेस क्लास इसी को प्रमोट कर रही है। और किसी का एक्सपीरियंस रहा हो भी एज ए टीचर?
एआई की वजह से बच्चों का जो थॉट प्रोसेस जो पहले डेवलप होता था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। इवन टेंथ क्लास के बच्चे भी जैसे कोई आंसर पूछो या क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए तो वो कहते हैं मैम ये तो गूगल पे भी मिल जाएगा, ये तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, ऐसे बोलते हैं। तो वो एआई की वजह से जैसे कैलकुलेशन वगैरह करनी होती थी बच्चों को या कोई टफ क्वेश्चन है तो वो अब खुद से, जैसे पहले सोचते थे हम लोग जब करते थे हम सोचते थे, वो सोचना नहीं चाहते, ये एक प्रॉब्लम है। जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता था ना क्वेश्चन, वो